हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग मॉनसून स्पेशल ट्रिप करने निकले हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम हैदराबाद, यू मस्ट नो कि अनंतगिरी हिल्स मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आज हम लोग वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपसे आज पूरा दिन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। We started around morning 8:30 AM. रास्ता बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आउटर रिंग रोड से स्ट्रेट जाके एग्जिट 18 लेके TSPA, now renamed as TGPA जंक्शन की ओर जाना है। फिर मोइनाबाद शेवल्ला क्रॉस करके आप विकाराबाद अनंतगिरी हिल्स पहुंच सकते हो। आज का ट्रिप हम लोग फ्रेंड्स के साथ करने वाले हैं। We met them somewhere in between and stopped for breakfast. First time गए ये रेस्टोरेंट, गुरु राघवेंद्र उरुपी वेज रेस्टोरेंट। अंदर फैमिली सीटिंग प्रोविजंस है। हम लोग अभी ये TSPA जंक्शन के पास गुरु राघवेंद्र वेज रेस्टोरेंट यहीं पे रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत अच्छा था खाना, इडली डोसा वड़ा पूरी, बहुत सारे ऑप्शंस है। टेस्टी था खाना। वी थॉरली एंजॉयड आवर ब्रेकफास्ट हियर। इस रूट में आपको और भी ब्रेकफास्ट स्टॉप्स मिल जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड पे कमलधाम टेंपल दिखेगा। वी हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस प्लेस। आई बटन में लिंक शेयर कर देंगे। हैदराबाद विकाराबाद रोड इज ऑलवेज सीनिक। द इमीडिएट चेंज ऑफ लैंडस्केप फ्रॉम सिटी हाई राइज टू ग्रीनरी ऑल अराउंड आपका मूड एलिवेट कर देगा। लास्ट ईयर हम लोग लेफ्ट पे ये अमोघम रेस्टोरेंट पे रुके थे फॉर लंच। फूड इज रियली गुड हियर। हम लोग जस्ट शेवल्ला क्रॉस किए। इट्स लाइक हाफ डिस्टेंस फ्रॉम अनंतगिरी। रोड कंडीशन इज बिट पैची। सिंगल लेन रोड है और लोग बहुत रैश ड्राइव भी करते हैं, सो ड्राइव केयरफुल इन दिस रोड। हम लोग यहाँ पे क्विक ब्रेक लिए। ये तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर है। क्वाइट सीनिक प्लेस, फोटोग्राफी के लिए बहुत सही जगह है। मॉनसून ट्रिप करने निकले हैं पर अभी तक बारिश नहीं हुआ। बट इट्स सो क्लाउडी कि लग रहा है जब तक हम लोग अनंतगिरी पहुँचेंगे तब तक शायद बारिश स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट कुछ दिनों में बारिश होने के कारण दिस लेक इज फुल ऑफ वाटर। ये विकाराबाद टाउन क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पहुंचते ही ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गया। मॉनसून ट्रिप ही कैसा जिसमें बारिश ना हो। Cloudy weather, breezy मौसम, drizzling, we were loving it. ये iconic roundabout दिखे तो समझ लो आप अनंतगिरी पहुंच गए हो। यहाँ आए हो तो श्री अनंत पद्मनाभा स्वामी टेम्पल विजिट इज मस्ट। टेम्पल के सामने ह्यूज कार पार्किंग एरिया है। ये लॉर्ड विष्णु के टेम्पल है। मॉर्निंग 7:30 AM टू 1 PM, फिर इवनिंग 3 PM टू 8 PM ओपन रहता है ये टेम्पल। वेरी पीसफुल एम्बियंस इनसाइड। टेम्पल विजिट करने के लिए आपको स्टेयर्स से नीचे उतरना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स कैन बी माइंडफुल अबाउट इट। संडे था, थोड़ा क्राउडेड था पर दर्शन बहुत अच्छा हुआ।
यहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में लड्डू और पुलिहारा मिलेगा। यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बजरंग बली का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी है। अभी हम लोग अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। टेम्पल विजिट के बाद टेम्पल के ऑपोजिट साइड के रूट फॉलो करते हुए वी रीच्ड छत्रीबंडा व्यू पॉइंट। बारिश के वजह से रोड कंडीशन वाज हॉरिबल, बट द व्यू वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। वो देखो ट्रेन जा रहा है। आनंदगिरी हिल्स का रोड कंडीशन इज वेरी पैची। फिर हम गए आनंदगिरी हिल्स व्यू पॉइंट की ओर। यहाँ पे कार पार्किंग एरिया है। इट वॉज वेरी क्राउडेड। दिस इज द आइकॉनिक नागाशिवा टेम्पल ऑफ अनंतगिरी हिल्स। यहीं से लोग ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। द रोलिंग हिल्स व्यू वॉज सो ब्यूटिफुल। दैट्स द वॉच टावर। ट्रेक करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। टॉडलर्स के साथ इट वॉज बिट डिफिकल्ट फॉर अस। ये व्यू पॉइंट देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे। ये जगह इतना खूबसूरत है ना, आपको हर जगह रुक के फोटो खींचने का मन करेगा। आपको इस रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड अनंतगिरी हिल्स के डिफरेंट लोकेशंस पे मिल जाएगा। वी रीच्ड टेस्ट ऑफ विकाराबाद। दे हैव इंडोर एज वेल एज आउटडोर सिटिंग ऑप्शंस। इंडोर वाज फुल्ली ऑक्यूपाइड, सो वी ऑप्टेड फॉर आउटडोर सिटिंग। Ambience is really good. Food was very delicious, reasonably priced, sufficient portion size. On demand, they prepared kid appropriate food. हम लोग अभी जस्ट टेस्ट ऑफ विकाराबाद से खाना खा के निकले। बहुत ही अच्छा खाना है। हम लोग बिरयानी, जीरा राइस, दाल फ्राई ये सब लिए थे। ईच ऑफ द फूड वॉज रियली टेस्टी। बहुत अच्छा लगा। और इस एरिया में वाकई एक अच्छे रेस्टोरेंट की कमी थी, वो पूरा हो गया लिटरली। यहाँ पे सिर्फ पहले हरिता हुआ करता था और रोड साइड मैगी और या फिर लाइक भुट्टा ये सब अगर चाहो तो खा सकते हो, बट प्रॉपर रेस्टोरेंट की बहुत ज़रूरत थी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड यू हैव अ रेस्टोरेंट अराउंड वेयर यू कैन हैव गुड फूड। लंच करके वी स्टार्टेड हेडिंग बैक होम। ऑन द वे वी स्टॉप्ड बाय द फर्म लैंड। यहाँ पे कॉलीफ्लावर फार्मिंग हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कॉलीफ्लावर का फार्मिंग हो रहा था तो वो देख के थोड़ा रुक गए। तो यहाँ पे दे आर ऑल्सो सेलिंग कॉलीफ्लावर, तो देखते हैं अगर घर में ले जाने के लिए कुछ मिला तो विल टेक इट। एकदम ऑर्गेनिक एंड फार्म फ्रेश मिल जाएगा। फिर कुछ आगे बढ़ते ही वी स्टॉप टू बाय सम कॉर्न। इट वॉज वेरी फ्रेश एंड जूसी।
आज का अनंतगिरी हिल्स का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। मानसून में ये जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है कि बहुत अच्छा लगता है। ट्रेकिंग तो आप कर ही सकते हो, हम लोगों के साथ दो टॉडलर्स थे तो थोड़ा रिस्की था, इसलिए हम लोग ट्रेकिंग की तरफ नहीं गए, पर आप लोग चाहो तो ज़रूर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। हैदराबाद से नियर बाई मानसून डे ट्रिप डेस्टिनेशंस बहुत लिमिटेड है। अनंतगिरी हिल्स कैन रियली अमेज यू विद इट्स ब्यूटिफुल लश ग्रीन लैंडस्केप एंड रस्टिक चर्म। डू विजिट दिस प्लेस इफ यू आर अ नेचर लवर। यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।